गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, जो 2009 के अंदर स्थापित की गई और इसकी अभी भी टेम्परेरी जो क्लासेस हैं वो हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहपुर के अंदर लगाई जा रही है और इसका जो कैंपस है अभी तैयार हो रहा है, हेडक्वार्टर जो है धर्मशाला के अंदर है और डहर और धर्मशाला के अंदर इसका जो कैंपस है वो तैयार हो रहा है। लगभग 200 फैकल्टी मेंबर्स इसमें वर्क कर रहे हैं और लगभग यहाँ पर 700-800 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर कौन कौन सी कोर्सेज हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कब होना है इसका एडमिशन और क्या है इसकी फ़ीस, हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, एंट्रेंस टेस्ट कब होना है, कैसे आपने इसको क्रैक करना है, क्या पढ़ना पड़ेगा, किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आप तक शेयर करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए ये चैनल द्वारा आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसमें जो टोटल कोर्सेज हमारे को दिए गए हैं, इसके अंदर हमारे पास 8 कोर्सेज हैं, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इसके बाद कॉमर्स हैं, इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी है, इसके बाद एजुकेशन है, इसके बाद हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है और लास्ट में साइंस है। इस कोर्सेज के अंदर कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं अगर इस पार्ट में शेयर कर रहा हूँ। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर बैचलर ऑफ वोकेशनल फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विस के अंदर 50 सीट्स अवेलेबल है। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं जिन बच्चों ने 10+2 किया है और आगे अपना कैरियर फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो वो इस कोर्स के लिए आवेदन भर सकते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशनल मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, टूरिज्म, जैसे होता है टूरिज्म होता है ऐसे जर्नलिज्म होता है, मास कम्युनिकेशन जो हमारे संवाददाता होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी कोर्स करने के लिए 50 सीट्स इसमें अवेलेबल है। इसके बाद बीए संस्कृत ऑनर्स 30 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद बीए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स स्कल्पचर 15 सीट्स इसमें अवेलेबल है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग 10 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कॉमर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स है, एमए इकोनॉमिक्स, और इसकी 30 सीट्स अवेलेबल है। जो बच्चे बीकॉम करते हैं और बीए इकोनॉमिक्स करते हैं, अगर वो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो 30 सीट्स इसमें अवेलेबल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, इसमें भी ये पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास कोर्स है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 30 सीट्स इसमें अवेलेबल। तो जो बच्चे जिन्होंने बीएससी करा है या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, बीसीए करा हुआ है, तो वो इसमें एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं, 30 सीट्स हैं। एमएससी डिग्री आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। एजुकेशन के अंदर एमए एजुकेशन है हमारा, 30 सीट्स इसमें अवेलेबल है। इसके बाद हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म, जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल जो है ये टूरिज़्म बेस्ड हमारा स्टेट है, जिसके अंदर टूरिज़्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी सारे हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो उसके अंदर हम एमबीए टूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर 30 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर वोकेशनल फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विसेज 50 सीट्स अवेलेबल हैं। मीडिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म बैचलर वोकेशनल मास कम्युनिकेशन 50 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी साइंस की फैकल्टी के अंदर सिर्फ बीएससी ऑनर फिजिक्स रखी गई है, जिसके अंदर 30 सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि बाकी फैकल्टीज़ नहीं है अभी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये अभी नहीं है। सिर्फ जो बच्चे बीएससी फिज़िक्स करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है उनका फिज़िक्स के अंदर, तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या है इसकी साइट, www.cuhimachal.ac.in, तो अब इस साइट पे जाकर इसकी विस्तृत जानकारी साइट के ऊपर ले सकते हैं और बाकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन हैं, डिटेल्स हैं इस यूनिवर्सिटी की, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की
जो कि धर्मशाला में स्थित है, इसकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी और अपडेट्स इसकी जैसे जैसे आती रहेगी, जैसे जैसे इसके फॉर्म्स निकलेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, फीस डिपॉजिट कैसे करनी है, हॉस्टल की व्यवस्था कैसी है, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सा एंट्रेंस कैसे तैयार किया जाए, उसकी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।